2.1 of polynomial today. Now start this thing. Okay. तो इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू चेक कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन से वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है. तो हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन से हैं. वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमसे यहाँ दो चीजें पूछ रहा है. एक तो हमें ये भी चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद ये भी चेक करना है कि वो वन वेरिएबल का है या नहीं है, ये भी चेक करना है, ठीक है. तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि हमें यही चेक करना होता है कि वेरिएबल की पावर जो होती है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है. अगर होल नंबर के अलावा कोई और पावर होती है वेरिएबल, अगर हमें वन वेरिएबल पॉलिनोमियल प्रूफ करना है तो हमें ये चेक करना होगा पॉलिनोमियल चेक करने के लिए कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं. याद रखना, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कोई और नंबर भी होती है, चाहे वो नेगेटिव हो, रैशनल में हो, डेसिमल में हो, इरैशनल हो, कोई भी हो, वो आपका पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल है या नहीं है. ओके, तो यहाँ वेरिएबल एक्स है, इसके पास पावर 2 है. यहाँ वेरिएबल एक्स है, इसके पास पावर 1 है. यहाँ वेरिएबल नहीं है, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ सारे वेरिएबल ऐसे हैं जिनके पास वन वेरिएबल तो है और वन वेरिएबल भी है और पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि सबके वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, ठीक है. तो इसको हम पॉलिनोमियल तो काउंट करेंगे, ठीक है. अभी हम इसको पॉलिनोमियल तो काउंट करेंगे. अब पॉलिनोमियल काउंट करने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं क्या ये वन वेरिएबल के हैं. तो यहाँ सबके पास x है, x के अलावा कुछ नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन. यहाँ पे हमारे पास दो ही टर्म्स हैं, y square एंड रूट टू, ठीक है. तो इसको ढंग से समझते हैं. ओके, तो y square और रूट टू. तो देखो, क्या हमारे पास वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं, पहले ये चेक करना होता है. तो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है. होल नंबर मतलब 2. 2 क्या हो, कौन सा नंबर होता है, होल नंबर भी होता है, नेचुरल भी होता है, लेकिन हमें होल नंबर चेक करना था, 2 होल नंबर भी होता है. तो वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, इसके पास वेरिएबल है ही नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं. तो ये पॉलिनोमियल तो कंफर्म हो गया, ये पॉलिनोमियल कंफर्म हो गया, और इसके पास केवल एक ही वेरिएबल है y, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल कंफर्म हो जाता है. Now we start the third one, ठीक है. तो यहाँ 3√2 + 3√2, तो ठीक है. यहाँ पे हम वेरिएबल्स चेक करते हैं, तो वेरिएबल्स चेक करते हैं, तो यहाँ रूट टू, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3t/(1/2) + t√2, ठीक है. तो यहाँ पे हमने चेक किया कि t के ऊपर जो पावर है वो 1/2 है, एंड 1/2 t के ऊपर पावर है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे पावर 1, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये सेटिस्फाई वो कंडीशन को नहीं कर रहा. यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है. तो ये पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा, और अगर पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल भी काउंट नहीं होगा. ऑलराइट, नाउ कम टू द फोर्थ वन, ठीक है. फोर्थ वन को हम क्या लिख सकते हैं, y = 2. y की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, -1 हो जाएगा, ठीक है, y की पावर -1. ऑलराइट, तो यहाँ तो पावर 1 है, होल नंबर है, बट यहाँ पावर होल नंबर नहीं है, इट इज अ -1, ठीक है. तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. ऑलराइट, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. नाउ कम टू दिस वन, यहाँ पे x की पावर 10 है, ठीक है, कि y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, और कोइंसिडेंटली 10, 3 और 50, ये तीनों के तीनों नंबर आपस में होल नंबर भी है, तो ये पॉलिनोमियल कंफर्म हो जाता है. ये हमारा पॉलिनोमियल कंफर्म होता है. बट अब हमें चेक करना है क्या ये वन वेरिएबल है, तो चेक करो, नहीं, ये वन वेरिएबल हो गया, ये सेकंड वेरिएबल है और ये थर्ड वेरिएबल, तो हम इसको कॉल करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ कितने वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल. थर्ड वेरिएबल है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल. तो यहाँ हमें सारा चीजें समझ में आ चुका,
ये एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन समझते हैं। 4x² + 3x + 7 इसको हमने पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल क्यों कहा, क्योंकि पॉलिनोमियल तो ये है, क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है उसके बाद सारे वेरिएबल्स एक ही कैटेगरी के हैं, तो x सब सबके पास x है तो ये पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कंडीशन फॉलो हो रही है, बट यहाँ पर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि t के ऊपर पावर 1/2 है और 1/2 होल नंबर नहीं होता, 1/2 इज रैशनल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर वन वेरिएबल टू वेरिएबल कोई सा भी वेरिएबल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे y के ऊपर पावर कितनी है, -1 होल नंबर नहीं होता, नेगेटिव नंबर होता, नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो वन वेरिएबल वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे x के ऊपर 10 है, 3 है और 50 है, ये तीनों होल नंबर्स हैं, तो पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं हो, वन वेरिएबल ना हो कि कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, इज इट ओके, ओके, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 2, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो हमें केवल x² पर फोकस करना है और उसके कोफिशिएंट पर फोकस करना है, इसके अलावा हमें कहीं भी कुछ नहीं देखना। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है लेकिन इसके पास x² नहीं, तो हम इसको नोटिस नहीं करेंगे। यहाँ पे x² है, हाँ है, तो x² का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, हमें तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर कुछ नहीं दिखता तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1, तो यहाँ पे हम 1, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू 1, कितना 1, यहाँ पे x² है नहीं है, तो हम इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाले पे आ जाते हैं, यहाँ कोफिशिएंट कितना है, आप लोगों को दिख रहा है क्या, ओके, इसके पास x² ही नहीं है, इसके पास x² है, तो इसके पास कितना मानेंगे, 1, तो ये कोफिशिएंट कितना हो जाता है यहाँ पे, माइनस का 1, ऑलराइट, इसके पास आते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² पाई x² प्लस x, क्वेश्चन ये है, ओके, आपको ओके, तो x² पाई बाय 2, तो ये आपका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। इसके पास x² ही नहीं दिख रहा, ना इसके पास है ना इसके पास है, दोनों टर्म्स के पास x² नहीं है, तो इसके पास कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² 0। अब 0 क्या हुआ, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम इसमें एक ऐड कर सकते हैं, 0x², क्यों ऐड कर सकते हैं 0x², क्योंकि 0x² भी 0 ही होता है, तो x² का कोफिशिएंट कितना आता है, यहां पे हमें कितना लिखना है, 0, तो उस वजह से ये यहां पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ओके ओके। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3, दीज टू क्वेश्चन आर फ्रॉम योर बुक एंड दीज टू क्वेश्चन आर फॉर प्रैक्टिस, ओके, तो ध्यान से समझते हैं पहले इन क्वेश्चंस को करना क्या होता है। तो क्वेश्चन हमें कुछ कंडीशंस दे रहा है जिसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिनोमियल्स ड्रॉ करने हैं, ओके, तो पहली कंडीशन उसने हमसे दी है कि बाइनोमियल बनाना है। बाइनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स, ठीक है, तो 2 टर्म्स के लिए हमने लिख लिया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, ये 2 टर्म किसी भी साइन प्लस या माइनस दोनों में से किसी से भी सेपरेट हो सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको जिसे करना है। मैंने सपोज करो मुझे प्लस से करना अच्छा लगता है तो मैंने प्लस से कर लिया, आपको माइनस से लगता है तो माइनस से भी कर सकते हैं। बाइनोमियल चाहिए, डिग्री कितनी चाहिए, 35, ओके। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल के बारे में क्वेश्चन ने हमसे कुछ नहीं बोला, वेरिएबल आप कितने भी ले सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने एक्स लिख लिया, यहाँ पे मैंने वाई लिख लिया, ओके। डिग्री 35 का मतलब क्या होता है, डिग्री 35 का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर जो होगी वो कितनी होगी, 35, ओके, तो किसी भी एक वेरिएबल पे आप 35 लगा सकते, ये भी इसका आंसर हो सकता है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो x 35 + y, ठीक है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 3x⁵ + 2, ठीक है, तो कुछ भी आंसर्स आप इसके बना सकते, मल्टीपल आंसर्स बन सकते, ओके। कंप्यूटर सेकंड आपसे बोलता है मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, ठीक है, सिंगल टर्म जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, तो आप सिंपल लिख सकते हो x⁻⁷, बट इसमें आप प्लस माइनस में कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि आपको मोनोमियल बोला, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, हाँ मल्टीप्लिकेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, सपोज करो आप 373 या -73 कुछ भी लिख सकते हो, सब चलेगा, सारा कंसीडर होगा, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि x⁵⁷ लिख दो, ये दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये आपके पास 1 है और ये 100 है, तो टोटल डिग्री आपकी हो जाती है 101, विच इज नॉट कंसिडरेबल, ठीक है, आप
कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप मान लो ये लिख सकते हो 82, जैसे आपने सपोज करो कोई भी एक वेरिएबल लिया y की पावर 100 ले लिया, ओके आप अब कोई भी कोफिशिएंट अपने मन से लगा सकते हो, कोई भी कोफिशिएंट साइज, जैसे आपने लिख दिया -82, कुछ भी लिख सकते हो, ये आपका पॉलिनोमियल भी है, मोनोमियल है और डिग्री जिसकी 100 भी है, ऑलराइट। कोफिशिएंट आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, नंबर वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया हुआ है। नाउ कम टू द प्रैक्टिस वन, टू वेरिएबल साफ बोल रहा है हमें कितने वेरिएबल देने क्वेश्चन को, टू वेरिएबल क्या बनाना है, ट्राइनोमियल, मतलब तीन टर्म्स, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, थ्री टर्म बनानी है, ट्राइनोमियल चाहिए और डिग्री कितनी चाहिए उसको, 7, डिग्री कितनी चाहिए उसको, 7, बट डोंट गेट कंफ्यूज, दिस 7, तो ओके तीन वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, एक्स वाई यहाँ पे जेड। तो देखो अगर हमने एक्स वाई जेड लिया तो यहाँ पे टू वेरिएबल की जगह 3 वेरिएबल्स हो गए, ऑलराइट, तो हम एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे, तो उसकी जगह हम बट हमें ट्राइनोमियल चाहिए, तो हम ट्राइनोमियल के क्या यूज कर लेंगे, कोई भी कोफिशिएंट यूज कर सकते, ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल्स हो गए, अब तीन वेरिएबल्स होने के बाद इनको पहले प्लस से किसी से भी सेपरेट कर दो, मैंने सेपरेट भी कर दिया, अभी तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तीन वेरिएबल दिख रहे हैं मतलब ट्राइनोमियल बन चुका, ट्राइनोमियल बन चुका, दो वेरिएबल का भी बन चुका, क्योंकि दो ही वेरिएबल है, बट कंडीशन भी है डिग्री कितनी चाहिए इसको, 7, तो किसी भी एक वेरिएबल पे या दोनों वेरिएबल पे आप पावर कितनी लगा दो, 7, तो ये बन गया, आप चाहो यहाँ भी लगा सकते हो 7, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, बट एक पे लगाओ ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ट्राइनोमियल, डिग्री 7, टू वेरिएबल्स, ऑलराइट। यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 5 वेरिएबल चाहिए उसको, कितने वेरिएबल चाहिए, 5 वेरिएबल, लेकिन कंडीशन दे रहा है कि मुझे बाइनोमियल चाहिए, आपसे 5 वेरिएबल बोल रहा है, बाइनोमियल भी बोल रहा है, ठीक है। अब 4 वेरिएबल्स एक जगह ले लो, ए बी सी डी प्लस ई, तो देखो आपको 5 वेरिएबल्स साफ साफ दिख रहे होंगे, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स एंड दिस वन इज 5 वेरिएबल्स, और 5 वेरिएबल हो गया, बाइनोमियल भी है ही, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म ये हैगा, एक टर्म ये हैगा, ये वन टर्म, ये सेकंड टर्म, टू टर्म्स दिख रहे हैं, टू टर्म्स और बाइनोमियल, ऑलराइट। डिग्री कितनी चाहिए हमें, 18, तो इस पर आप डिग्री 18 लगा, बिकॉज इतना सिक्योर रहना, इतना सोच के चलना, आप यहाँ पे कहीं पे डिग्री 18 मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने डिग्री 18 लगा दी तो ये 18 और 19, 20, 21 आपकी डिग्री हो गई 21, अगर आपको यहाँ डिग्री प्लग करनी है तो आप उसको 15 लिखो, क्योंकि 3 डिग्रीज आपके पास ऑलरेडी हैं, 1, 2, 3 और ये आपकी 15 और 3 18, इसको हम मान सकते हैं, ऑलराइट। बट इतना कंफ्यूज मत होके चलना, ई पर 18 लिखना, आपका पॉलिनोमियल बाइनोमियल हो गया, क्योंकि दो टर्म्स हैं, 5 वेरिएबल्स आपको साफ नजर आ रहे होंगे और डिग्री उसकी कितनी है, 18, ऑलराइट। तो यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन ओवर हो रहा है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑलराइट। तो यहाँ हमें फाइंड करनी है डिग्री, तो डिग्री फाइंड करनी है, तो डिग्री का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पूरे पॉलिनोमियल में कितनी है उसे चेक कर लो, वही आपकी डिग्री होती है, केवल वेरिएबल की पावर चेक करनी है, कॉन्स्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ चेक करते हैं इसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, 5 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, 5 के ऊपर 1000 पावर हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ वेरिएबल वेरिएबल x है, x के ऊपर पावर कितनी है, 2, यहाँ वेरिएबल x, x के ऊपर पावर कितनी है, 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3, इसकी डिग्री हम कितना कॉल कर सकते हैं या कितना कॉल करेंगे, दैट इज 3, ऑलराइट। कम टू दिस पॉइंट, यहाँ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हम काउंट नहीं करेंगे, ऑलराइट, यहाँ x है, x के ऊपर डिग्री कितनी है, 2, तो इसकी ऑटोमेटिकली डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, कम टू दिस, यहाँ पे t1 है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर रूट में है इसको हम पॉलिनोमियल कॉल करें या ना करें, तो याद रखो वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना, वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ डिग्री हम कितना कॉल करेंगे इसको, 1, क्योंकि एक ही टी के ऊपर पावर 1 ही है, कम टू दिस, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, ओके कोई बात नहीं, अगर वेरिएबल नहीं है तो हम इसको डिग्री कितना कॉल करेंगे, 0, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऑलराइट, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन,
फोर ओवर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, हमें यहाँ चेक करना है कि इनमें से कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक है। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या क्या हमें चीज चेक करना होता है। लीनियर का मतलब होता है डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए, वन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री आपकी होनी चाहिए टू, और क्यूबिक का मतलब होता है डिग्री कितनी होनी चाहिए, थ्री। और ऑलराइट, तो हमें डिग्री या चेक करनी है और डिग्री के बेसिस पे हमें इसको बताने की या लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहां से। इसके पास डिग्री टू है, इसके पास डिग्री कितनी है, वन। तो डिग्री टू और डिग्री वन मीन्स ये क्या हुआ, हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी हो गई, टू। और हाईएस्ट डिग्री अगर टू है तो हम इसको क्या कॉल करेंगे, क्वाड्रेटिक। यहां फिर से समझ दो, यहां डिग्री टू है और यहां डिग्री वन है, यहां दो डिफरेंट टर्म्स है। अगर दोनों टर्म्स एक ही होते तो डिग्री थ्री हो जाती, बट यहां अलग अलग है, तो ये टू है ये वन है, तो हाईएस्ट डिग्री टू हो जाती है, इसके कारण इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। नाउ कम टू हियर, यहां हाईएस्ट डिग्री कितनी है, वन। इस पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, थ्री। ओके, तो इसकी टोटल हाईएस्ट डिग्री कितनी कॉल करेंगे हम लोग, थ्री। तो थ्री होने के कारण इसको हम क्या कॉल करेंगे, क्यूबिक। ऑलराइट, इसकी वन है, इसकी थ्री है, इसलिए हम इसको क्यूबिक बोलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री। कम हियर, वन टू और यहां पे कुछ नहीं है, जीरो। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, टू। डिग्री टू है तो इसको क्या कॉल करेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, हियर नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर। वन पावर कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक्स पावर कितनी है, वन। तो क्या हम इसको कॉल करेंगे, डिग्री अगर वन है तो लीनियर। ठीक है, यहां डिग्री कितनी है, कुछ नहीं है, वन कॉल करेंगे, डिग्री वन है, क्या कॉल करेंगे, लीनियर। यहां डिग्री कितनी है, टू, क्या कॉल करेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहां डिग्री कुछ नहीं है, वन, तो क्या कॉल करेंगे इसको हम, लीनियर। आई थिंक आप लोगों को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का जो भी कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग फाइव वो सेपरेट कर दें कि लीनियर कौन से हैं, क्वाड्रेटिक कौन से हैं और क्यूबिक कौन से हैं। ऑलराइट, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। आई विल रिप्लाई यू देयर। थैंक यू।